अब आपको लिए चलते हैं हम झारखंड। हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से झारखंड में भी राजनीति का धर्मयुद्ध छिड़ गया। झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने अपने लिए मंदिर की मांग कर डाली। हेमंत सरकार का एक फैसला झारखंड की सियासत में उबाल ले आया है। मुद्दा धर्म से जुड़ा है, लिहाजा पक्ष और विपक्ष दोनों मुखर हैं। कोई सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहा है तो किसी को ये बेवजह का तूल नजर आ रहा है। दरअसल झारखंड सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए एक कमरा आवंटित किया है, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ सकते हैं। सरकार के इसी फैसले को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और पार्टी नेता हर धर्म के प्रतिनिधियों के हिसाब से विधानसभा में कमरा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर और रांची से विधायक सीपी सिंह ने एक कदम और आगे बढ़कर मंदिर तक बनाने की मांग कर डाली है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा आग्रह है कि सर्वधर्म संभाव की भावना को देखते हुए वहां पर विधानसभा परिसर के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। झारखंड सरकार के फैसले के बाद बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बेवजह की सियासत कर रही है। सब काम है विरोध करना हर चीज का, ये अच्छा काम हुआ ना। हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में अपना केबिन में दिया गया है। इस दलील के बावजूद बीजेपी ने सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है, जिस पर सियासी घमासान आगे और बढ़ सकता है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।